बिलासपुर प्रार्थना सभा में छत्तीसगढ़ महिला आयोग रायपुर द्वारा जन सुनवाई रखी गई, जिसमें महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरण मई नायक की अध्यक्षता में बिलासपुर से 30 व मुंगेली से 10 कुल 40 मामलों पर सुनवाई की गई। 15 मामलों में पक्षकार तथा 12 मामलों में दोनों पक्ष उपस्थित रहे। 2 या 3 मामले गंभीर रहने की स्थिति में उन्हें महिला आयोग रायपुर बुलाया गया, जहां उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा व कुछ मामलों को क्षेत्र थाना प्रभारी पर जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो मामलों के समाधान पर कार्य करें। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र उद्योगों व संस्थानों में हो रही महिला प्रताड़ना को मद्देनजर रखते हुए महिलाओं के हित में अध्यक्षता किरणमयी नायक ने महिला प्रताड़ना पर गंभीरता दिखाते हुए समस्या के समाधान व महिला संरक्षण व प्रदेश के सभी शासकीय व अर्धशासकीय पुलिस विभाग निधि उद्योग मीडिया हाउस आदि पर जहां 10 या 10 से अधिक लोग कार्य करते हैं, जहां महिलाएं हैं, वहां पर आंतरिक परिवार समिति का गठन अनिवार्य बताया है। बिलासपुर से सीमा सरवन की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी और उन सबके नाम पते और मोबाइल नंबर का डिस्प्ले लगाना अनिवार्य है, और यदि ये आंतरिक परिवार समिति का गठन किसी भी संस्थान में नहीं किया जाता है तो आयोग की तरफ से उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी करने का प्रावधान हमारे आयोग के एक्ट में है। अभी एक प्रकरण में विद्युत विभाग के एक महिला कर्मचारी ने शिकायत किया था, और मैंने जब उससे पूछा तो उसे इस कानून की जानकारी नहीं है। कार्यस्थल पर यौन प्रताड़ना अधिनियम 2013 तो उसकी जानकारी दी गई और उसे कहा गया कि